सौरभ जोशी भैया की मौसी जी हैं ये। मम्मी मिठाई लेके आ गई है। किस लिए लाई हो? ये बस भाई आए हैं। ये मम्मी भी आ रही है। तन कहाँ से कहाँ से? मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज कैसे हैं आप सब? हो बढ़िया हो गए? मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो गाइज आज बादल जैसे हो रहे हैं और बारिश जैसा मौसम हो रहा है। हवा देखो कितनी मस्त चल रही है, एकदम मस्त वाली। वो देखो ठंडे में स्कूटी सीखने आ रखे हैं भैया। काफ़ी देर से सीख रहे हैं लेकिन आ गई हल्की हल्की चलानी है। धीरे धीरे चला रहे हैं। ये दोनों देखो गोबर डाल लिए। आज तो मानसी ने गोबर भी फेंक दिया। आज छत पे डिग्गी रखी जाएगी तो अंकल जी देखो कैसे खींचने में लगे हैं डिग्गी को। ये चली गई ऊपर। ये देखो भैया कैसे ले जा रहे हैं सीढ़ी को। अभी गिर गई थी पता है, अभी दोबारा रखी है इन्होंने। हिल ली है गई। दीदी कॉलेज जा रही है। सो गाइस देखो ये काम भाई का है मगर कर ये रही है। ड्राइंग बना रही है। ड्राइंग ड्राइंग ये देखो कैसी बना रही है। हाथ हटाओ। ये वाला भी जैसी बना रही है ताकि मैम को पता ना चले किसी और ने बनाया। अगर पता चल जाएगा नहीं तो ये रहा झंडा, ये चिड़िया, कबूतर जो भी कहते हैं इसको। पेंसिल से साइड दे रही हूं उसको। हाँ उससे कर। ये सफेद चार डे में बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन ये सफेद लाया नहीं, ये तो लाया इतना मस्त लग रहा है। और सेट कर देती बहुत बढ़िया लगता है। पेंसिल भी घिस रही देखना। इतनी छोटी कर दी। ये से ना आगे से नहीं कर दी ना तो उसकी बात कभी नहीं होती। उसकी नोक जो है ना उसको ऐसे कर दो उंगली से। वाह क्या कलर आता है। झंडा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। उसमें ड्राइंग में ऐसी ही है बुक में। अब बताओ क्या मस्त लग रही है। तिरंगे में कलर बना रहे हैं। 5 minutes later. So guys अभी हम जा रहे हैं मार्केट मानसी के लिए कपड़े लेने, क्योंकि हम 3 तारीख को दीदी के घर जाएंगे। तो ये भी जाएगी, ये भी बोल रही है जाएगी। तो इसके लिए कपड़े लेने जा रहे हैं अभी हम। फटाफट से चलते हैं। अभी कपड़ों की दुकान में आ गए हैं और ये देखो मानसी के लिए टॉप देके जा रहे हैं यहाँ। तो गाइस अभी हम कपड़ों की दुकान में आ रखे हैं और ये आंटी हमारी जान पहचान की निकली, सौरभ जोशी भैया की मौसी जी हैं ये। तो आंटी के बेटा दिवेश। हाँ आंटी के बेटा भी जो है ब्लॉग बनाते हैं। दिवेश तिवारी। तिवारी दिवेश तिवारी। हाँ ये ब्लॉग बनाते हैं। तो सौरभ भैया की मौसी हैं ये। जाते हो आप घूमने? अच्छा जा रही है आइसक्रीम लेने। जा ले क्या? अभी मम्मी यहाँ से मिठाई ले रही हैं 2 डब्बा। तो मम्मी मिठाई लेके आ गई हैं। किस लिए लाई हो? ये लड्डू देने जा रहे हैं उसके शादी के। अच्छा जो दीदी की शादी के। हाँ बात लेके आई चाची। हाँ उसके। अच्छा अभी तक ना दिए? अभी तक ना दिए, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आप देंगे। और भात के बाद जो कंदौर खिलाते हैं ना बस वही लड्डू है ये। ये देखो मानसी को कुछ पसंद नहीं आया। ये तो पता नहीं खाली में नचाती है तभी मैं फिर वगैरह आती नहीं हूँ। 12 बजे घर से निकले, दोपहर के 2 बज गए हैं। पापा भी चले गए होंगे। पापा भी चले गए होंगे खाना खा के काम करने। और अभी हम जा रहे हैं ये लड्डू देने। शाम के 3 बज जाएंगे जाते घर जाते जाते। नहीं ज़्यादा ही 4:30 हो जाएंगे। अभी 1 डिब्बा तो देखे आ गए हैं जिसके घर पर देना था और 2 डिब्बे बचे हैं इनको भी दे देते हैं फटाफट से फिर चलते हैं घर। काफ़ी टाइम हो गया है घूमते घूमते और भूख भी लग रही है। सो गाइस ये देखो लाल लाल जो है ना ये करौंदे हैं खट्टे खट्टे अचार में डलने वाले एकदम मस्त। इस अभी हम नानी के घर पे आए हैं। देखो 2 ही बच्चे बचे हैं, बाकी सब बेच दिए नानी ने। और नानी ये हैं। हेलो नानी। बाय। सो गाइस ये है धान की पौध और कितनी छोटी हो रही है क्योंकि बारिश नहीं हो रही इसलिए। आपकी साल क्या लगेगा धानों में? कितने छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं ये। मक्का ही हो रही है नानी की। नानी अपनी सब्जी दिखा रही है। तो गाइस अभी हम घर जा रहे हैं, सब में घूम घाम के 4:30 हो गए हैं। और ये देखो आइसक्रीम खा रही है।
गर्मी में आइसक्रीम खाना। फिर हम घर पे पहुंच गए हैं। देखो राजकुमार गीता भी आ रखे हैं खेलने के लिए, मानसी का इंतजार कर रहे थे। और ये क्या हाथ में बॉल, बॉल काई की पिट्ठू खेल, मोजे की, मोजे की बना रखी है, बॉल खो गई थी। अच्छा अभी मेरे को भूख लग रही है तो सबसे पहले खाना खाती हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसे ही हो गया है, कुछ खाया भी नहीं है, बस पानी पी गई, पेट भरा है और चाय नाश्ता, जिसके हम घर गए थे वहाँ पर चाय नाश्ता बस, फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया है। तो अभी पहले मैं खाना खा लेती हूँ। पता नहीं क्या बनाया पल्लवी ने, शायद दाल बना रखी है पक्का, मेरे को पता था दाल बनाई होगी मेरी बहन ने, दाल बनाई है, चावल दाल करती हूँ उसमें। तो ये रहा खाना और अभी फटाफट से खाती हूँ दाल चावल। और ये देखो थाली, और ये देखो बर्तन धो रही है, इसने खा लिया। नहीं खाया मैंने, नहीं खाया अभी, नहीं खाया। तो खा फिर, मैं सुबह से भूखी हूँ, अभी तक कुछ नहीं खाया मैंने। हाँ बर्तन धो ले पहले तू, चलो मैं तो खाती हूँ। और ये देखो कितने आराम से लेटी है, वाह वो बर्तन धो रही है, लेटी है, सो रही है। मैंने तो खा लिया है, अब खा रही है। इसके देखो ये आम खा रहा है जो कि मैं अभी लाई थी नानी के घर से। तो आज यस भाई आए हैं, ये मम्मी भी आ रही है, पता नहीं कहाँ से, कहाँ से आ रही है। अच्छा आंटी ने दिया है, यस अकेले आया, पैप लेने आए, ठीक है उसको भी कुछ खाने। यह है डेरी मिल्क और अब इसको हम खाएंगे, ये पिलक गई थी लाए थे तो अभी फ्रीज में जमाई थी, मेरी आदर्श ने खा ली, इसकी आदर्श ने खा ली, अभी मेरे में से खाएगी। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।